यार ये फाइनली हमारा गंदा अच्छा खाना आ गया। सलाम है, पूछ रहा हूँ कोई पिंक रंग का खड़ा हुआ इधर? पिंक रंग वो वाइट नुकरा होता है वो इधर नहीं। माय अनदर व्लॉग। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही आला जगह पे। आप लोगों को पता है चंद तकरीबन 15-16 दिन बाद ईद आने वाली है, बड़ी ईद। अब हम जा रहे हैं जी बकरा मंडी। तो आज के व्लॉग में जी हम लोग गुजरांवाला की मंडी जाएंगे जो कि गार्डन टाउन के सामने लगी है, और उस मंडी को जाके एक्सप्लोर करेंगे। और उस मंडी में आज हम लोग लाखों लाखों रुपये के जानवर निकलवाएंगे और उनका सौदा करेंगे। चलते हैं, रात के 2 बजे मंडी चलते हैं। फाइनली हम लोग मंडी पहुंच चुके हैं, तो आगे जाकर सूरत हाल वगैरह चेक करते हैं क्या हिसाब है। भाईजान असल आगे बताइएगा क्या हिसाब है। शक्ल हमने की है, चलाओ गाइस लेने हैं तो 150 रुपए का एक लेना है। लाओ ना चेक करते हैं क्या हिसाब है। चल भाई मेरे ख्याल से इसका 2 लाख मांगेगा वो, कम से कम भी उसने मांगा 5 लाख। अच्छे तो बच्चे तो बड़े सारे हैं, बाकी हमारा काम है सौदा मारना है जानी। मैं अब हमारा काम है सौदा मारना, बच्चे तो देख लिया अब हमें। माशाल्लाह यार माशाल्लाह, बहुत ही मजे के बच्चे हैं यार। सलाम है, पूछ रहा हूँ कोई पिंक रंग का खड़ा हुआ इधर? वो पिंक रंग का बैठा नहीं खड़ा हुआ यार, पिंक नहीं होता है, ये ब्राउन होते हैं। ये सही वाली दाना है, ये जोड़ा ये 2 पीस है यार। चला वो बंदे खड़े हैं उनसे सौदा मारते हैं। सबर करना पहले हिसाब से, ये चौका मेरे ख्याल से ना, ये भी दोंदा है। मेरे ख्याल से हमें ये लेना चाहिए, ये वाला दोंदा चौका दिखा दे रहा हूँ। ये नहीं, ये दो ये दोनों प्यारी हैं, ये दोनों ये बड़े क्लास होता मारते हैं। ये वाइट वाला भी बहुत प्यारा है, गोलगप्पे चेक करें। हाय मम्मी ने रेड लगाया जीना साहब क्या नहीं बस देख रहे यार। उसका तो उन्होंने 6 लाख मांगा, तो तेरा उन्होंने 2 लाख मांगा है, क्या करें मेरे समझ नहीं आता। मेरा तो 150 में भी हो गया। ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये सिर्फ 9 लाख रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता सा, कोई नहीं ले लेंगे। बहुत पैसे हैं हमारे पास, बहुत पैसे हैं। बाकी अभी देखते हैं यहाँ को सौदा मारते हैं, लेना लूना हमें कुछ भी नहीं है, बस हम ही आ गए हैं मंडी सूरत हाल चेक करने हैं। इधर भी बैठे हैं लेकिन इधर थोड़ा सा अंधेरा नज़र नहीं आ रहा, इधर ही सही है। अब उनका सूसू टाइम है, अब उन्होंने सूसू करना, अब हम लोग निकलते हैं इधर से। बहुत हो गया, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। आज असी मोटरसाइकिल से, हमें टेंशन नहीं लैनी, मैं भी बहुत सोना है, वैसे सारे ही बहुत सोने हैं। पाँच लाख यहाँ, अरे अब अगली जगह पे हैं, इधर भी लगे हुए हैं बैठे, ये भी लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये भी लगा हुआ है। एक रस्सी नहीं बस बांधी हुई, रुमाल बांधा हुआ बस। ले ले लू ले लगे हुए हैं। बाकी अभी आगे चलते हैं, देखते हैं जाके। ओए माशाल्लाह, चौका क्या रेट मांग रहे? ये खीरा है ना, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। अरे कहना क्या चाहते हो? सुभान, ए, उसका सिर्फ 5 लाख मांगा उन्होंने, सिर्फ 5 लाख। ये वाइट वाले का सस्ता है, मुझे तो सस्ता लग रहा है। आगे जाकर देखते हैं, चलो नहीं मारना मूरना क्यों, मेरे ख्याल ना घटो घट भी 8 लाख तो होना है, बहुत बड़ा जे, बहुत बड़ा जे। कल सुनी तुमसे ना हो पाएगा, मारता नहीं है, बच गई हूं। कहने वाली बात तो हुई यार, इधर तो हम लोगों ने देख लिया, ये लगे हुए हैं, ये इसका 5 लाख मांग रहा है, इसका 9, उसका 10, तो आगे बहुत लगे हुए हैं सामने। उधर भी जाते हैं और जाके सूरत हाल चेक करते हैं क्या हिसाब है। ये बैठा हुआ गुलाम, इसे उठा, इसका सींग पकड़, सिंह पकड़ इसका। मंडी का बहुत बुरा हुआ इस टाइम यार, बहुत महंगी है बच्ची हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तेरे घर के तो फ्लैश से भी पैसे निकलते हैं, तो तू ये तेरे लिए लेना, ये कौन सा मुश्किल काम है? कोई फ्लैश से निकालता पैसे लेके आया होगा मंडी, मैं तो फ्लैश में पैसे निकाल देता हूँ। चलो आ गए इनके पास भी,
ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਓਹੋ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੋਰੀ गाइस स्पेशली गुलाम भाई हैं ये तो इन्होंने इसका इसका और केड़ा सी ये वाइट वाला ये और ये इसका और इसका और इसका लगाया रेट 11 लाख रुपया रेट लगाया मैंने गाइस मैंने रेट नहीं लगाया अभी वो उन्होंने डिमांड की है 12 लाख तीनों की है तो मैं कहा चलो मैं चला ये 2 लाख से शुरू करते हैं किसी को बताई ना चल ट्रोल कंट्रोल जहाँ तो सू कोठ पेगी अस बैठे लैके दो लाख लेनी है चीज वो उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया वो लेवल है लेवल है बहुत माशाल्लाह प्यारा है वैसे बहुत हैवी जनरल गोल मटोल गोल गप्पे हैं ये भी ओह वे भी मस्त हुए हैं दूसरे के साथ वैसे मजे के हैं यार वैसे अगर ये 8 लाख भी माने ने मना ले जा सौदा मार उन्हें जा एक बासुन उन्हें जाके मना उन्हें क्या 8 लाख पे मान जो पेमेंट मेथड जो है वो झाड़ी उनके पीछे चला जा ठीक है अगर वो 8 लाख पे ना माने गजब बेइज्जती है कैश पेमेंट कैश है तो आप देंगे किधर है कैश शो मी योर कैश बैंक मैंने पेटीएम से निकाल लेंगे चलो कटो कटो बैग जो होगी ओए होए 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 किसी जोड़ दो मत चला ले इसका इस कार वो अगला इन तीनों का सौदा लगाया अभी बाकी देखते हैं अभी क्या बनता सौदा अल्लाह करे बन जाए इंशाल्लाह बन जाएगा बाकी बात है सोच लें आ रहे हैं गाड़ी में आ रहे हैं ना बंदे हो जाएगा रस्सी भी छोड़ दी उन्होंने उठाएगा तो सब कुछ उठाएगा ये चीज़ का तो मजा मैं सही तरीके से दिखाऊँ ना पता लगे वैसे ये चीज़ है So guys, जी हम शिपू के पास हैं रोने क्या तू ये रूप है रूप ओए रूप ओए ओए रूप चुमिया का रही शिपू इसकी पार्टियां रूप यार ये देख ये दे गुलाम तेरी शिपू के पास तू आया क्या मैं हूँ हैं तू आया तो फिर दान चेक कर कैमरा लेके तो तू ही आया मेरे पास तूने ये मारे ये शिपू दोंदा चोक चेक करा है कल परसों आएंगे ना फिर हिसाब से देखेंगे भी पहला दिन ना रेट जरा ज्यादा है ना पूछ तो नहीं पहले जोड़ी का दसो जोड़ी का दोंदे जोड़ी का दसो ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਦੰਦ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਦੱਸੋ ਦੋ ਦੋ ਦੰਦ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਖੀਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮ ਲੋਗ ਰਾਤ ਕੋ ਮੰਡੀ ਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸੁਬਾ ਤੋ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा व्लॉग दूसरा शुरू करने का मैंने फिर कहा चलो यार इसी में पूरा कर देते हैं व्लॉग तो अभी हम लोग उठे थे तो वो सीधा इधर आ गए हैं सुबह उठ के ये है जी ग्लो पार्क मेट्रो सिटी गुजर खान वो अभी चलते हैं अंदर रोटी खाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है रात से ही रोटी नहीं खाई भी सुबह मंडी से वापस आने के बाद मगर उसका नाश्ता किया तो उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया बाकी हम अंदर चलते हैं साल्ट एंड पेपर पर जाके ना कुछ खाते पीते हैं फिर बात करते हैं आपसे बाकी चलो यार अंदर चलते हैं ऐसे ऐसे यार ये मेन्यू हमारे सामने आ गया एम्बियंस काफ़ी मज़े की है बाकी आप ऑर्डर देते हैं उसे बुला के बड़ा कुछ है यार जेबें खाली होने लगी हैं अभी हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल बुलाते हैं उसे ऑर्डर देते हैं यार ये फाइनली हमारा गंदा अच्छा खाना आ गया मेरे लिए खाना खा के बाहर निकले हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तकरीबन ज़्यादा नहीं सिर्फ 12,000 रुपया बिल बना है बाकी अब निकलते हैं अपने घर की तरफ अभी तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है बस करके उसके बाद अपने घर पहुंचते हैं तो फिर आज के व्लॉग को यार मैं इधर एंड कर रहा हूँ बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोगों को याद होगा कि मैंने 50,000 कैश का गिव अवे का बोला हुआ वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी करेंगे